सुमित, लेट्स प्रोसीड अहेड विद योर टेक्निकल स्नैप फॉर मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, इसमें सुमित एक टर्म होती है ऑसिलेशन और एक होती है वाइब्रेशन, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सर जो ऑसिलेशन होती है वो रिजिड बॉडी के लिए होती है, वाइब्रेशन होती है वो डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए होती है। ऑसिलेशन ये भी पीरियोडिक मोशन होते हैं, वाइब्रेशन भी पीरियोडिक मोशन होते हैं, बट इसमें जो ऑक्सीलेशन में रेजिस्टिंग फोर्स होता है ये ड्यू टू मास होता है, इसमें जो होता है ये ड्यू टू इलास्टिक फोर्सेस होता है, एंड ऑक्सीलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है और फ्रिक्वेंसी कम होती है, वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है और फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है? सर पेंडुलम ऑसिलेट करता है। पर तुम तो पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी निकालते हो, वाइब्रेशन की निकालते हो ना? जी सर, जी सर, तो वाइब्रेशन में निकलती है। सर ये ऑक्सीलेट करता है तो वो रिजिड बॉडी होता है ना सर, इसमें जहां भी डिफॉर्मेबल बॉडी आता है वहां पे सर मैकेनिकल वाइब्रेशन टर्म यूज होता है, जहां पे ऑक्सीलेशन टू एंड फ्रो मोशन होता है। जो पेंडुलम है वो डिफॉर्मेबल बॉडी तो नहीं है, वो वाइब्रेट तो नहीं, नहीं सर वो रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी है तो आपके हिसाब से वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। सर टू फ्रो मोशन हो रहा है ना सर सिस्टम, वो कंटिन्यूअसली पीरियोडिक मोशन हो रहा है टू एंड फ्रो। अच्छा मेरे को टू एंड फ्रो मोशन में और साइक्लिक मोशन में डिफरेंस बताओ। सर साइक्लिक मोशन सपोज सर लॉन्गिट्यूडनल अगर वाइब्रेशन है तो टू एंड फ्रो कह सकते हैं उसको, एंड ऑक्सीलेशन मींस ऑक्सीलेशन या एंगुलर जो भी है वो साइक्लिक। सर साइक्लिक ऐसे सर पीरियोडिक मोशन एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपना पार्ट रिपीट करते हैं। तो क्या हर पीरियोडिक मोशन वाइब्रेटिंग मोशन होता है? हर पीरियोडिक मोशन वाइब्रेशन मोशन सर अगर ये पाथ अगर कंटिन्यूअसली ये अपना पाथ अगर रिपीट करता है देन ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन। अच्छा मेरे को ये बताइए सुमित, ये जो आपका आपका साइक्लिक या पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन और साइक्लिक मोशन में क्या डिफरेंस समझते हैं आप? सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ बता पाएंगे आप, क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशंस? आपने किसी को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कैसे करें? यस सर, आपने किसी को अगर ये एक्सप्लेन करना है कि SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर सिंपल हार्मोनिक इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड द रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड मीन पोजिशंस और इक्विलिब्रियम पोजिशन। उसको हम साइन एंड कोसाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर, टैन से क्यों नहीं करते? सर टैन सर ये पीरियोडिक जो ग्राफ आती है साइन की वो पीरियोडिक होती है या कॉस की भी जो पीरियोडिक होती है, बट टैन में सर ऐसा नहीं होता। द टैन जो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है? नहीं सर। तो साइन और कोसाइन अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड कितना होता है? सर इसका पीरियड 0 to π पाई होता है, 2π होता है। एक आप साइन ग्राफ प्लॉट कीजिए जरा कॉपी पे और बताइए जरा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं इसमें।
ये तो बड़ा ज्यादा कर दिया आपने सेट साइन ग्राफिंग, तो आपको इतना बढ़ाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी। व्हाट अबाउट दिस विजुअल दिस इज ऑल्सो साइन ग्राफ यस सर इफ इज टाइम पीरियड इज 0 टू 25 साइन ग्राफ। आपने आपने जो ड्रॉ किया और इसमें क्या डिफरेंस है? किसमें सर? जो मैंने ड्रॉ किया और जो आपने ड्रॉ किया है उसमें क्या डिफरेंस है? सर आपने आपने वो एंगल नहीं दिखाया ना जीरो। हाँ सर ठीक है मतलब आप बताइए आपने जो ड्रॉ किया उसको दिखाइए। सर मैंने भी सेम ड्रॉ किया है शो कीजिए सर ये एंगल भी शो कीजिए कितने किए हैं आपने एंगल। सर आप एंगल कहां तक शो किए आपने? आगे देखिए आप आगे भी ले गए उसको सर 2 पाई के आगे भी मैंने शो कर दिया है मतलब वो सिर्फ बढ़ा दिया है 2 पाई के आगे वो आगे तक बढ़ा दिया है बस ऐसे ही। अगर उसको कट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर वो तो आगे ऐसे ही मैंने बढ़ा दिया है। 2 पाई तक ही प्लॉट करने का क्यों रिक्वायरमेंट है? और 2 पाई में सर इसमें क्रिस्ट और टफ दोनों पोजीशन हो जाते हैं टोटल पीरियोडिक मोशन शो करता है। साइकिल कहां पे कंप्लीट होती है? सर पाई 2 पाई पे। क्यों ऐसा क्यों कि साइकिल जो है 2 पाई पे कंप्लीट हुआ? सर ये हमेशा ये पहले तो ये क्रिस्ट पे गया फिर टफ पे गया फिर ये मतलब जीरो से और जीरो जीरो पे भी मतलब वो सेम था और 2 पाई पे भी सेम था और ये यही मोशन कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। इसका फेज डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं आप सुमित? फेज डायग्राम नो सर मुझे नहीं आइडिया इसके फेज डायग्राम के बारे में। पता है ना आपको फेज डायग्राम? नहीं सर नहीं पता। नहीं सर नहीं पता। अच्छा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिख के दिखाइए। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसकी वेलोसिटी और सपोज सर अगर अगर फेज डायग्राम कहेंगे तो मतलब एक उसमें समथिंग मतलब ऐड कर देंगे एंगल समथिंग ऐड कर देंगे तो मे बी वो फेज डायग्राम फेज में मतलब इसके नहीं देखिए फेज अलग चीज है फेज डायग्राम अलग चीज है। ओके ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वो थीटा इनिशियल फेज हो गया ओमेगा टी फेज फेज मींस ओमेगा टी। अब मेरे को ये बताइए कि ये जो आपने इक्वेशन बनाया है इसमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन बताइए। वेलोसिटी सर dx / dt हो जाएगा जो कि होगा a ओमेगा cos ओमेगा t एंड एक्सेलेरेशन हो जाएगा a माइनस साइन के साथ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अच्छा इसमें मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी है? सर इसमें मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन a ओमेगा स्क्वायर होगी सर नेगेटिव साइन के साथ। एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? ये सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सिंपली ये बॉडी के आपने जो एक्स की इक्वेशन लिखी है ना और एक्सेलेरेशन की इक्वेशन दोनों की इक्वेशन में देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। सर एक कोसाइन ग्राफ है एक साइन ग्राफ है और ये जो एक्सेलेरेशन इज नॉट कोसाइन। एक्सेलेरेशन इज नॉट कोसाइन चेक कीजिए ध्यान से। नहीं सर एक्सेलेरेशन साइन ग्राफ मैंने ये की है और जो वेलोसिटी है वो कोसाइन ग्राफ कोसाइन में है कॉस ओमेगा टी आती है तो और इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है इस एक्सेलेरेशन में स्क्वायर हो जाएंगे और इसमें जो है वो सिंपली ओमेगा रहेंगे। एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। यस सर इसका क्या रीजन है? सर डिस्प्लेसमेंट जो है सर ये जो अपोजिट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ऐसा ये शो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स सपोज अगर ये डिस्प्लेस हुआ है
तो जो एक्सलेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्या मीनिंग और रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ये सर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है सर? रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ये हमेशा इस कोई भी बॉडी है अपने मीन पोजीशन में रहना चाहती है, अगर मीन तो वो फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग फोर्सेस हमेशा इसको मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है ये। अगर उसमें कुछ भी डिस्टरबेंस हो तो वो बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं। ओके ओके सुमित, लेट मी गिव यू द फीडबैक ऑफ दिस पार्ट नाउ। सुमित देखो, मैकेनिकल वाइब्रेशन कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आप पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए कि जो पीरियोडिक मोशन है और साइक्लिक मोशन, वो उसका एक ही मीनिंग है। पीरियोडिक और साइक्लिक मोशन मींस द मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, सेम टाइम इंटरवल में जो होता है वो ये होता है साइक्लिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन मतलब वो कंटिन्यूअसली वो चलता जाता है। पीरियोडिक और साइक्लिक एक ही होता है, उसको मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड और साइकिल में वो रिपीट कर रहा है। उसके बाद टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मींस देयर इज अ मेन पोजीशन अबाउट व्हिच द बॉडी इज रिपीटिंग द मोशन, जैसे पेंडुलम। यस सर, अर्थ रोटेट, ये टू फ्रॉम में ये नहीं कर सकते, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वाला कांसेप्ट नहीं दे सकते कि मतलब वो कंप्रेसिव और टेंसाइल, वो दोनों के लिए होता है। इज अ मेन पोजीशन एंड देन ऑसिलेशन is also to and fro motion, it is oscillating about its mean position towards mean position, from mean position to and fro, and mujhe confusion tha oscillation which has small amplitude is called vibration, and vibration is analyzed using simple harmonic motion. So SHM, oscillation, vibration, to and fro motion, periodic motion, cyclic motion, yahan se aapka wo start karega, fir SHM ki equation likhwayega, फिर टाइम पीरियड पूछेगा जो 2π है, तो वहां से आपका आगे चलेगा सारा। सर मैंने डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में ऐसे बोला, वो गलत है? वो गलत है, मैंने की पर वो गलत है, मैंने पढ़ा नहीं दे पाए ना ऑनलाइन पढ़ा। यस सर, पेंडुलम का आंसर नहीं ना दे पाए, पेंडुलम पीरियोडिक जो मोशन है वो ऑसिलेशन भी है वाइब्रेशन भी है, ऑसिलेशन भी है वाइब्रेशन। यस सर है सर, ये डिफॉर्मेबल बॉडी का मैंने पढ़ा है ऑनलाइन, ये सही है या गलत है? मतलब मेरे को नहीं पता आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, लेकिन जो आप आंसर गलत है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस है, वाइब्रेशन इज दैट ऑसिलेशन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड। ये सर वो तो मैंने बोला ये बात, लेकिन ये डिफॉर्मेबल बॉडी का मैंने पढ़ा था कि वो डिफॉर्म, सपोज पर्सनल है तो वो थीटा से बॉल लीजिए, एक बॉल में कंचा डाल दीजिए, गोली डाल दीजिए, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी मेन पोजीशन के अबाउट। रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी तो वाइब्रेट करती है, राइट? ये सर वो डिफरेंस था ना, तो वो मैंने गूगल सर्च किया तो इसमें यही डिफरेंस आया कि रिजिड बॉडी की। तैयार कीजिए सुमित, रिवाइज योर सब्जेक्ट प्रॉपरली, राइट? अपनी कॉपियां पढ़िए, बुक्स पढ़िए, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, और अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। अभी लेवल नहीं है आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन में, इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे तरीके से, राइट? सर आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ अभी आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना है सुमित, इसको रिवाइज कीजिए, राइट? मैकेनिकल वाइब्रेशन अपनी बुक्स कॉपीज वगैरह पढ़िए।